हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी 2025 के जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए कॉमन टॉपिक है कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, इसके लिए टॉपिक सेकंड अपन कवर कर रहे जो है कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ठीक है, इसके अपन 25 एमसीक्यूज यहाँ पे कवर करेंगे। इसके पहले अपन ने टॉपिक वन भी लिया था बेसिक ऑफ कंप्यूटर, उसके भी 25 एमसीक्यूज अपन ने कवर किए थे। ऐसे टिल एग्जाम तक जो है वो सभी एमसीक्यूज जो है वो अपन कवर करने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। वैसे देखिए, कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ अवेलेबल है, जिसमें 13 चैप्टर 1300 प्लस एमसीक्यूज कवर किए हैं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा, व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट के 25 एमसीक्यूज। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन सर्किट बोर्ड इन अ कंप्यूटर कॉर्ड। तो देखिए, ऑप्शन है सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड ड्राइव। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कनेक्ट ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट एंड अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन दे। नेक्स्ट, सेकंड, विच कंपोनेंट इज नोन एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो देखिए, ऑप्शन है फर्स्ट रैम, सीपीयू, जीपीयू, पीएसयू। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, सीपीयू। द सीपीयू प्रोसेस एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर। नेक्स्ट, थर्ड, What type of memory is a temporary and volatile? तो देखिए, ऑप्शन है ROM, hard drive, RAM and SSD। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, RAM। RAM store data temporarily and lose it when power is off. Next, fourth, what device store data permanently using magnetic disk? तो देखिए, ऑप्शन है SSD, hard drive, RAM, कैचे। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव यूज मैग्नेटिक स्टोरेज फॉर परमानेंट डेटा स्टोरेज। नेक्स्ट, फिफ्थ, विच हार्डवेयर कंपोनेंट पावर अ कंप्यूटर। तो देखिए, ऑप्शन है जीपीयू, पीएसयू, सीपीयू एंड रॉम। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, पीएसयू, पावर सप्लाई यूनिट। ओके, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल पावर टू यूजेबल फॉर्म फॉर कंप्यूटर पार्ट्स। नेक्स्ट, सिक्स्थ, विच पार्ट कंट्रोल द ग्राफिक रेंडरिंग इन द कंप्यूटर। तो देखिए, ऑप्शन है सीपीयू, जीपीयू, रैम, हार्ड ड्राइव। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, जीपीयू, बिकॉज ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट इज अ फुल फॉर्म ऑफ जीपीयू, हैंडल इमेज एंड वीडियो रेंडरिंग। नेक्स्ट, सेवन, व्हाट डिवाइस इज यूज्ड प्राइमरी टू इनपुट डेटा इनटू अ कंप्यूटर। तो देखिए, ऑप्शन है प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, कीबोर्ड। कीबोर्ड इज अ कॉमन इनपुट डिवाइस फॉर टाइपिंग डेटा। नेक्स्ट, एट, विच डिवाइस डिस्प्ले आउटपुट विजुअली। तो देखिए, ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, स्कैनर। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, मॉनिटर। मॉनिटर आर आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले इमेज एंड वीडियोज। नेक्स्ट, नाइन्थ, What hardware is used to store data with no moving part, offering faster access? तो देखिए, ऑप्शन है SSD, HDD, RAM, CPU। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट SSD। SSD means solid state drive. Okay? Use flash memory and having no moving part. Next, 10th, which component houses the CPU, RAM and expansion card? तो देखिए, ऑप्शन है monitor, case or tower. थर्ड, पावर सप्लाई एंड फोर्थ, कीबोर्ड। करेक्ट आंसर है केस और टावर, बिकॉज कंप्यूटर केस कंटेन ऑल मेन हार्डवेयर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट, 11th, व्हाट डज रॉम स्टैंड फॉर। रॉम का सभी को पता है, रीड ओनली मेमोरी, एंड इट इज कंटेन परमानेंट इंस्ट्रक्शन क्रिटिकल टू बूटिंग द कंप्यूटर। नेक्स्ट, 12th, विच कूलिंग कंपोनेंट हेल्प प्रिवेंट ओवरहीटिंग ऑफ द सीपीयू। तो देखिए, ऑप्शन है फर्स्ट जीपीयू, हीट सिंक, रैम, मदरबोर्ड। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, हीट सिंक। हीट सिंक एब्जॉर्ब एंड डिसिपेट्स हीट टू कूल द सीपीयू। नेक्स्ट, 13, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कैच मेमोरी। तो देखिए, ऑप्शन है फर्स्ट लॉन्ग टर्म स्टोरेज, सेकंड टेम्पररी स्टोरेज फॉर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा, थर्ड इनपुट डिवाइस एंड फोर्थ आउटपुट डिवाइस। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, temporary storage for frequently accessed data, because cache speed up access to data the CPU use often. Next, 14, which of these is not an input device? So, dekhiye, option hai first scanner, mouse, monitor,
keyboard. The correct answer is third, monitor. Monitor is an output device. Okay. वैसे देखिए जनरल नॉलेज की पीडीएफ भी अवेलेबल है, जिनको भी जनरल नॉलेज का पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, व्हाट डज पीएसयू स्टैंड फॉर। तो देखिए ऑप्शन है पावर स्टोरेज यूनिट, सेकंड पर्सनल सिस्टम यूनिट, थर्ड पावर सप्लाई यूनिट एंड प्रोसेसर सपोर्ट यूनिट। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, पावर सप्लाई यूनिट। इट प्रोवाइड नेसेसरी इलेक्ट्रिकल पावर फॉर कंप्यूटर ऑपरेशन। नेक्स्ट 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम एंड डेटा। तो देखिए ऑप्शन है फर्स्ट रैम, एसएसडी, प्रोसेसर, कैचे। तो करेक्ट आंसर है सेकंड एसएसडी। एसएसडी रिटेन डेटा इवन व्हेन द पावर इज ऑफ। नेक्स्ट 17, व्हाट कंपोनेंट कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। तो देखिए ऑप्शन है फर्स्ट जीपीयू, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मॉनिटर, पावर सप्लाई। तो करेक्ट आंसर है सेकंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी। एनआईसी अलाउज द कंप्यूटर टू कनेक्ट टू लोकल और इंटरनेट नेटवर्क। नेक्स्ट 18, विच डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू प्रिंटेड फॉर्म। तो देखिए ऑप्शन है फर्स्ट स्कैनर, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो करेक्ट आंसर है थर्ड प्रिंटर। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूस हार्ड कॉपीज। नेक्स्ट 19, Which unit is responsible for arithmetic and logic operations? तो देखिए ऑप्शन है फर्स्ट कंट्रोल यूनिट, ALU, RAM, PSU। तो करेक्ट आंसर है सेकंड ALU। Arithmetic logic unit perform calculations and logical operations. Next 20, What is the smallest unit of data in a computer? देखिए ऑप्शन है बाइट, बिट, निबल, वर्ड। तो करेक्ट आंसर है सेकंड बिट। A bit represent a binary value that is 0 or 1. Next 21, what does an optical drive use to read data? So the option is first magnetic storage, electrical signal, laser light and sound wave. So correct answer is third laser light, because optical drive use laser to read or write CD or DVDs. Next 22, what device is needed to connect external USB devices? So the option is port, bus, slot, connector. So correct answer is first port. USB port allows connection of external peripherals. Next 23, what type of device is a webcam? So the option is input device, output device, storage device, processing device. So correct answer is first input device, because webcam input video data into a computer. Next 24, what hardware component control data flow between computer parts? So the option is CPU, control unit, RAM, GPU. The correct answer is second control unit. Control unit direct the operation of the CPU. Next 25, which device help in backup and transfer of data storage? So the option is external hard drive, monitor, keyboard, PSU. The correct answer is first external hard drive. External drive store data externally and serve as a backup device. वैसे देखिए general knowledge, civil, computer awareness, horticulture, mechanical, electrical सभी PDFs जो है वो available है। जिनको भी PDF चाहिए होगा WhatsApp number दिया है, WhatsApp पे मैसेज करके PDF आप purchase कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।